उधर करनाल में हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी के काफिले ने दो बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी। घटना करनाल के नेशनल हाईवे 1 की है। बाइक सवार दोनों छात्र घायल हो गए हैं। दोनों छात्रों को करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हालांकि एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि जिस समय ये घटना घटी उस समय गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कमल मिड्डा के साथ। जी कमल, एक के बाद एक ऐसी ही घटनाएं क्यों होती जा रही हैं? जब काफिला जा रहा है मंत्रियों का, गाड़ियां जा रही हैं, तो गाड़ियों के जाते जाते इस तरह की टक्कर जो है वो क्यों बार बार सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये पहला मामला नहीं है जब करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी सरकारी काफिले की चपेट में आने से जो है कोई लोग घायल हो गया हो। पहले भी जो है मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों के काफिले से कई बार इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं। और लेकिन जो ताजा मामला इस बार जो है करनाल में सामने आया वो हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जो है उनके काफिले की चपेट में आने से जो दो छात्र घायल हुए। हालांकि उस समय जो है जो गवर्नर थे वो काफिले में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो हेलीकॉप्टर के लिए जो है दिल्ली रवाना हो चुके थे और जो काफिला है वो चंडीगढ़ से दिल्ली लेने के लिए जा रहा था। तो काफी तेज रफ्तार जो काफिले में गाड़ी थी एंडेवर गाड़ी की चपेट में आने से जो बाइक सवार जो दो युवक छात्र हैं वो इसमें घायल हुआ है, जिसमें से एक की हालत जो है अभी भी गंभीर बनी है जिसका इलाज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। हरदीप जी, कमल यहाँ ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हुआ यह हादसा? वो जो छात्र थे वो किस तरीके से जो है गाड़ियों के काफिलों के बीच में आ गए? कोहट गाँव के पास जो है ये हादसा हुआ है। सब जो कोहट गांव निवासी बाइक सवार जो है पानीपत किसी काम से जा रहे थे कि तेज रफ्तार जो एंटवर गाड़ी थी जो काफिले में मौजूद थी उसने जो है उसको साइड मारी, जिस तरह जो बाइक सवार थे वो चोटिल हो गए, बुरी तरह से चोटिल हो गए। गाड़ी से उसमें हालांकि दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने जो है घायलों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरली जी, कमल यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या कार्रवाई यहाँ दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी पुलिस जो है इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि मामला जो है खुद प्रदेश के जो राज्यपाल है कप्तान सिंह सोलंकी उनसे जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अभी जो घायल है उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक व्यक्ति जो है अभी भी बेहोश है जिसका जो है पुलिस होश में आने के बाद बयान लेगी, उसके बाद ही जो है आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी। जी कमल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता कमल मिड्डा जो बता रहे थे कि जिस तरीके से जो है गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी की गाड़ियों के काफिला जो है वो जा रहा था और उसी बीच जो है दो छात्र वहां पर बाइक पर सवार थे और वो वहां से निकल रहे थे तो उसी बीच जो है वहां पर टक्कर हुई और उस टक्कर के बाद जो है वो छात्र गंभीर रूप से वहां जख्मी हो गए और एक छात्र की यहाँ पर जो है स्थिति वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। और अब आगे देखना होगा कि पुलिस की तरफ से इस घटना पर आगे क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।